नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइफ स्ट्रीम्स को। लगातार जिस तरीके से बिहार से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव गायब थे, सभी उनको ढूंढने में लगे थे। मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है, जहाँ एक तरफ सरकार ये आरोप लगा रही थी कि विपक्ष कहाँ है, वहीं आज तेजस्वी यादव ने अचानक सुबह सुबह ट्वीट करके सारी गर्मियों को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं भले ही दूर था, इलाज करवा रहा था, लेकिन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा था। अब इस पर ही तंज कसा है जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने। ज़रा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह। देखिए, तेजस्वी यादव जी लोकसभा में करारी हार के बाद ये राजनीति में हारे हुए नायक थे और ये साइलेंट मोड में चले गए थे, वाइब्रेट भी नहीं कर रहे थे और ये इतने सदमे में थे कि 23 तारीख के बाद लगातार ही बिहार से गायब रहे। तो गर्मी का दिन था, लू से बचने को सियासत का लू लग गया, वो गायब रहे बिहार से और वहाँ से ट्वीट करते हैं, मैं नज़र रख रहा था चिमकी बुखार पर। आश्चर्य लगता, 29 साल की उम्र में कुछ समझ का नाम का चीज़ ही नहीं इस आदमी को। देखिए, ये चुनाव में RJD 0 पर आउट हो गया, ये सदमे में थे। इनके नेता का अलग अलग बयान आया, कल रघुवंश बाबू जैसे मंत्री रहे हैं, रघुवंश बाबू कई एक बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे, वो कहते हैं कि हमको वोट दिया, मोदी को वोट दिया। तो प्रतिपक्ष के नेता का अहम भूमिका होता है, तो प्रतिपक्ष के नेता के पक्ष इनको इस्तीफा देना चाहिए। हमने तो कहा था कि FIR होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, प्रतिपक्ष के नेता हैं कहाँ गायब हैं। जनता के जुड़े हुए सवाल को प्रतिपक्ष के नेता उठाते हैं, वो विधानसभा में कल गायब रहे। सुने, आपके माध्यम से पता चला है कि वो पटना में आ गए, चलिए कम से कम धन्यवाद कि पटना तो पहुंच गए। आपने सुन लिया, संजय सिंह ने साफ साफ ये कहा है कि इलाज करा रहे थे, गर्मी में उन्हें लू लग गई थी और इसी कारण से लगता है तेजस्वी यादव गायब थे। अब तेजस्वी यादव कहाँ थे, लू लग गई थी, इलाज करा रहे थे, क्या कर रहे थे, आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें। तेजस्वी यादव जब खुद आएंगे तो वो बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।